बद्रीनाथ में जो मंदिर है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है? बद्रीनाथ के बारे में मुझे नहीं मालूम, मगर आप जिस आदमी का नाम, जिस आदमी का आपने नाम लिया, वो तो वक्फ प्रॉपर्टी है, जो वो 53 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट्स है कर्नाटका में, क्या वो सारे वक्फ प्रॉपर्टी है? सुन तो, अब आप समझिए, एएसआई क्या सेक्शन 60, एएसआई का सेक्शन 16 पढ़िए, एएसआई का सेक्शन 20 पढ़िए, वक्फ प्रॉपर्टी है, उसका रिनोवेशन, उसमें कोई चेंज नहीं लाना, वो एएसआई के एएसएमआर एक्ट के तहत होता है। मगर सेक्शन 16 ये कहता है कि यू कैनॉट चेंज द नेचर ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस इन एएसआई मॉन्यूमेंट। और एएसआई का एक्ट कब आया मैडम? ये जो वक्फ हुआ है वो 300 साल पुराना, 400 साल पुराना, जब पब्लिक लॉ नाम की चीज नहीं थी। पब्लिक लॉ कब बना? पब्लिक लॉ तो संविधान बनने के बाद बना, या फिर अंग्रेजों ने बनाया। आप 400 साल पहले बोलेंगे कि भाई आप चार मीनार का रजिस्टर्ड डीड लाइए, मक्का मस्जिद का रजिस्टर्ड डीड लाइए, दिल्ली की जामा मस्जिद का रजिस्टर्ड डीड लाइए, कहां से लाएंगे? क्या जब पब्लिक लॉ था? पब्लिक लॉ नहीं था, वक्फ बाय यूजर था। और आज आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप रजिस्टर्ड डीड लाइए, तो मतलब अगर आप एएसआई के तालुक से दिखाएंगे तब तो किसी भी चीज पर आप बता सकते हैं कि मेरे पास कागज नहीं है बट मुझे लगता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एएसआई के पास, एएसआई के तालुक से सचर कमेटी ने कहा कि 172 प्रॉपर्टीज आर इन द इलीगल पोजिशन ऑफ एएसआई, इलीगल सच्चर कमेटी ने कहा। और ये सरकार ये बिल ला रही है कि सच्चर कमेटी ने कहा, अरे सच्चर कमेटी ने ये भी कहा था, इसका बता दी। अब पब्लिक लॉ जब नहीं था तो पब्लिक लॉ को आप बोल रहे रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, आज आप कहेंगे चार मक्का मस्जिद हैदराबाद में 400 साल पुरानी है, आप डीड लाओ, डीड कहां से लाएंगे? ठीक है, वैसे आपने सच्चर कमेटी का क्योंकि जिक्र किया था, सच्चर कमेटी ने खुद भी यही कहा था कि जो मुतवली हैं उनको जिस तरीके से वो काम करते हैं उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनेज करने की ज़रूरत है, नॉन मुस्लिम टेक्निकल एक्सपर्टीज को जोड़ना चाहिए वक्फ के कामकाज में। ये सब भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ही रखा गया है कि नॉन मुस्लिम टेक्निकल एक्सपर्टीज शामिल होना चाहिए। तो ये मुस्लिम गैर मुस्लिम की बात तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ही सेटल कर दी गई थी। क्या अच्छा, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि क्या सच्चर कमेटी ने कहा था कि नॉन मुस्लिम को बोर्ड का मेंबर बनाया जाए? उन्होंने कहा एक्सपर्टीज होनी चाहिए, नॉन मुस्लिम एक्सपर्टीज। सुनिए मैडम, एक्सपर्टीज का मतलब ये कि कंसल्टेंट्स, यूज देम एज कंसल्टेंट्स। ठीक, क्या सच्चर कमेटी ने कहा था कि वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाओ? क्या सच्चर कमेटी ने ये नहीं कहा था कि जो सीईओ होगा उसको उर्दू आनी चाहिए, मुस्लिम रिलीजियस लॉ मालूम होना चाहिए? आप एक काम करिए, आप ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल के वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज को बुलाइए, कितने लोग उर्दू पढ़ पाएंगे? ठीक, कितने लोगों को मुस्लिम रिलीजियस अफेयर्स के बारे में मालूम? सच्चर कमेटी ने 5 साल ये कहा था कि मुसलमान जो 5 साल का रहेगा, ये कहां से आया कानून? ये 5 साल रहेगा, अरे 5 मिनट अगर कोई मुसलमान रहेगा काफी है। आप हिंदुओं को वक्फ करना नहीं दे रहे, मगर हिंदुओं को आप मेंबर बनाना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी का एक ही कोशिश है, एक बाबरी मस्जिद छीन लिए, अब आप हजारों मस्जिदों को छीनना चाह रहे हैं, दरगाहों को छीनना चाह रहे हैं, ये इनका असली एजेंडा। और देश में भ्रम फैलाया जाएगा, देखो मोदी जी ने मुसलमानों से 8 लाख एकड़ जमीन ले ली। ठीक है, रिफॉर्म की बात हर कोई करता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज की भी बात करता है, अब उसको किस तरीके से शामिल किया जाना चाहिए या मुसलमानों का हक और उनकी जमीन छीनने का पूरा मुद्दा है, ये फैसला तो हमारी देश की संसद ही करेगी, उसकी कमेटी अब इस पूरे वक्फ एक्ट को भी देख रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमसे बात करने के लिए आपका भी बहुत एक आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा, आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा मैं, मेरी आपसे, आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं ना उसको देख लीजिए, वो नोट्स हमारे स्टैंडिंग कमेटी के, कैसा ना हो जाए कि कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ पड़ जाए। नहीं नहीं सर, मैं स्टैंडिंग कमेटी के नोट्स नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अपने रिसर्च के नोट्स पढ़ रही हूँ। मैं देखकर बोल रहा हूँ, देख लीजिए। मैं बिल्कुल सर्टन हूँ कि मैं अपने खुद के रिसर्च के नोट्स पढ़ रही हूँ। देख लीजिए, थैंक यू मैडम। आप तो उस कमेटी में सर, आप सबसे पहले प्रिविलेज कर सकते हैं, तो मैं कभी ये चाहता नहीं। मैं तो देख चुका हूँ, देख के बोल रहा हूँ आपको, मैं पढ़ता हूँ ना तो याद आ गया मुझे, उस कागज को देख रहा हूँ, ये मेरे अपने नोट्स, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, उस कागज को देख के कह रहा हूँ आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने वहां से एकदम पूरी जांच कर ली कि कौन से नोट्स मेरे पास है।